बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू HTML। आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म्स के एलिमेंट्स कौन से हैं और उनको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। सो, सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। ओके, इनसाइड डायरेक्ट्री मैं यहाँ पर एक form.html की फ़ाइल क्रिएट करूँगा। ओके, और इस फाइल को हम अपने ब्राउज़र में भी प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, वी आर डन। सो यहाँ पे हम बेसिक HTML का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डॉक टाइप HTML, लैंग्वेज, टाइटल फॉर्म्स HTML फॉर्म्स, और यहाँ पे हमने बॉडी में हेडिंग दे दी फॉर्म्स इन HTML। यहाँ हमारे पास फॉर्म का टैग है। फॉर्म का टैग ब्लॉक लेवल टैग है, ये स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। और इनसाइड फॉर्म हमारे पास फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम तर एलिमेंट्स 99.9% वो एलिमेंट्स यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो फेसबुक लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म्स, हमारे पास लॉगिन फॉर्म्स होते हैं, साइन अप फॉर्म्स होते हैं, और हम शॉपिंग कर रहे हों तो वहाँ पे हम फॉर्म सबमिशन करते हैं अपना एड्रेस वगैरह ऐड करके। और यहाँ फॉर्म को डिफरेंट तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो फॉर्म्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, हम इस फाइल को ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। सो फार इसमें कोई खास चेंज नहीं होगा, जस्ट हमारे पास फॉर्म्स इन HTML का टेक्स्ट लिखा आ रहा है। सो अब देखते हैं कि फॉर्म्स के कौन से एलिमेंट्स हैं। फॉर्म का जो सबसे पहला और मोस्टली यूज्ड और वाइडली यूज्ड एलिमेंट है, जिसके बहुत सी टाइप्स हैं, दैट इज़ इनपुट एलिमेंट। ओके, सो इनपुट एलिमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। इनपुट एलिमेंट ये इनलाइन टैग है, इनलाइन एलिमेंट है, और ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए डेफिनेटली यूज़ किया जाता है। इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं हमारे पास। ओके, सो टाइप्स क्या हैं हम इनको देखते हैं। ओके, सो फार अभी हमें इसकी टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, और जस्ट हम इनपुट डिफाइन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आ गया जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख के सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कहाँ होगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, टाइप बटन, टेक्स्ट बॉक्स, कलर, डे टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल। सो व्हाट आर दीज इनपुट टाइप्स। नॉर्मली जब हम यूज़र से कोई भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो हम इनपुट के टाइप टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, रिफ्रेश। सो ये रही हमारी इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम किसी भी किस्म का टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। हमारे लिए किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वॉट एवर द टेक्स्ट इज वी कैन एड इट। सो ये थी हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, सो इनपुट में एक तो हमारे पास एट्रीब्यूट आ गया टाइप का। इनपुट में हमारे पास कुछ और कपल ऑफ वेरिएबल्स भी हैं, लाइक हमारे पास वेरिएबल है प्लेस होल्डर। ठीक है, एंटर योर टेक्स्ट। ओके, प्लेस होल्डर क्या होता है, जब तक आप उस इनपुट में कुछ भी एंटर नहीं करते, लिखते नहीं हैं, तो वहाँ पे उसके बैकग्राउंड में एक स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं वो टेक्स्ट वहाँ से गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। सो ये हमारे पास प्लेस होल्डर है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से इनपुट के एट्रीब्यूट्स हैं, बट उन्हें हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। सो लाइन ब्रेक करते हैं और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इनपुट टाइप की तरफ। ओके, इनपुट टाइप पासवर्ड। ओके, सो ये एक और टाइप है जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है जब भी हम लॉग इन फॉर्म या साइन अप फॉर्म्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और वहाँ हमने यूज़र से पासवर्ड एंटर करवाना होता है। नो डाउट के कोई इशू नहीं है, हम इसमें भी टाइप टेक्स्ट में भी हम पासवर्ड एंटर करवा सकते हैं, बट टेक्स्ट में जब भी हम लिखते हैं टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो रहा होता है। सो पासवर्ड टाइप क्या होती है, पासवर्ड टाइप में जब हम लिखते हैं तो हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। हाउ इट वर्क्स, लेट मी शो यू। रिफ्रेश। सो यहाँ पे जब मैं एंटर करूँ तो मेरा टेक्स्ट लिखा आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, और जब मैं यहाँ कुछ लिखूँगा तो मैं जो भी एंटर कर रहा हूँ वो एंटर ज़रूर हो रहा है बट वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो ये इनपुट टाइप पासवर्ड है। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट की और भी बहुत सी इनपुट्स हैं, लाइक वी हैव इनपुट टाइप ईमेल। सो व्हाट इज ईमेल टाइप, लेट मी शो यू। सेव, रिफ्रेश। ओके, सो ईमेल टाइप क्या होती है, ईमेल टाइप आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि इस इनपुट के अंदर आपने जस्ट
ईमेल का पैटर्न ही फॉलो करना है। और ईमेल का पैटर्न क्या होता है, सम टेक्स्ट होता है आपके पास, फिर एट द रेट सिंबल आता है, फिर आपके पास डोमेन प्रोवाइडर होता है लाइक जीमेल, याहू, हॉटमेल, आउटलुक और बहुत से और भी हैं, और उसके बाद .com, .net, .org, समथिंग लाइक दैट। सो अनलेस आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। लाइक मैं इसमें लिखता हूँ, सॉरी, माई नेम इज़ एक्स वाई जी, एंटर कर रहा हूँ, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब मैं इस पर हवर करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एक पॉपअप देगा, प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, माई नेम इज़ एक्स वाई जी इज़ मिसिंग एन एट द रेट। सो कह रहा है कि यहाँ पे एट द रेट सिंबल भी होना चाहिए। सो ये एक जेनेरिक सी वैलिडेशन है। सो यहाँ अभी भी ये इसको फॉलो नहीं करेगा, शुड नॉट कंटेन सिंबल दैट। ओके, सो ये कह रहा है कि ये सिंबल नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये सिंबल को नहीं हाईलाइट कर रहा बल्कि ये इन स्पेसिस को हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि ईमेल में स्पेसिस नहीं होती हैं। और अब जब मैं एंटर करूँगा तो अगेन ये एक एरर देगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे .com, .org ये चीज़ें भी मिसिंग हैं। सो ये होती है टाइप ईमेल। तो ईमेल टाइप में ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने पैटर्न ज़रूर फॉलो करना है। जब तक आप पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सो टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड, टाइप ईमेल, इसके अलावा एक कपल ऑफ टाइप्स हैं आपके पास लाइक इनपुट टाइप URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। इनपुट टाइप URL, एंटर URL। ओके, सो URL क्या होता है? URL आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि यहाँ पे आपने सिर्फ URL ही एंटर करना है, उसके अलावा आप कुछ एंटर नहीं कर सकते अनलेस कि आप URL के पैटर्न को फॉलो ना करें। सो मैं यहाँ कुछ लिख के एंटर करूँगा तो मैं प्रोसीड नहीं कर सकता, और इट माइट गिव मी एन एरर दैट प्लीज़ एंटर अ URL। सो URL क्या होता है? www.xyz.com अभी भी ये URL नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हम यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को ऐड करेंगे। अनलेस हम उसे ऐड नहीं करेंगे तो ये हमें एरर देगा। इट डजंट मैटर आइदर इट इज़ HTTP और HTTPS। ओके, व्हाट इज़ HTTP एंड व्हाट इज़ HTTPS इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। जस्ट आई वाज शोइंग के URL टैग क्या होती है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनपुट टाइप डेट। सो डेट इनपुट टाइप जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपके सामने एक पिक एंड ड्रॉप, एक ड्रॉप डाउन आ जाता है जिससे आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस टाइप डेट। ओके, मैं यहाँ प्लेस होल्डर ऐड नहीं कर रहा। क्यों ऐड नहीं कर रहा? यू विल गेट इट। यहाँ पे हमारे पास पैटर्न आ गया, मंथ, डे, ईयर, आप चाहें तो खुद भी एंटर कर सकते हैं। वन मंथ, टू डे, डे टू एंड 0 5, इट मीन दैट 2nd of January 0005। सो यहाँ ड्रॉप डाउन भी आपके पास, आप यहाँ से डेट को सिलेक्ट पे कर सकते हैं, यहाँ से आप ईयर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास यहाँ ईयर्स की लिस्ट आ गई है। लेट मी रिफ्रेश इट। सो देयर वी गो, टुडे, कोई भी डेट सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, और ख़ुद से डेट को चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सो ये थी टाइप डेट। सिमिलरली आपके पास टाइप टाइम भी होती है। इनपुट टाइप टाइम, और सेम वे में वो आपको एक क्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ से आप टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं, वट एवर द टाइम इज। ओके, सो ये एक ईज के लिए है, अदरवाइज टाइम तो आप इसमें भी एंटर कर सकते हैं लाइक 01:12 PM वट एवर दैट इज। सो बट ये इनपुट्स हैं जो कि आपको कुछ ईज प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह आपके पास और भी इनपुट्स हैं, लेट मी शो यू इनपुट टाइप। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नंबर इनपुट है, लेट मी ऐड द पोल टेक्स्ट। ओके, सो नंबर इनपुट क्या करती है? आपको जस्ट अलाउ करती है कि आप एक नंबर ऐड कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं लिख सकेंगे।
अगर आप नंबर लिखेंगे तो आप नंबर लिख सकते हैं, और यहाँ से आपके पास इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर भी हैं कि आप इनकी मदद से भी नंबर्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऐड और डिक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप मिन भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक आई एम डिफाइनिंग मिन इज़ 5 एंड मैक्स इज़ 50। सो आप 5 और 50 के दरमियान ही आप कोई नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर कोई और नंबर फोर्सफुली एंटर करेंगे तो फिर वो आपको एरर दे देगा। लेट मी रिफ्रेश। ओके सो 5, अब मैंने इंक्रीमेंटर के लिए अप की एंटर की तो उसने 5 से स्टार्ट किया और ये 50 तक जाएगा, 50 से ऊपर भी नहीं जाएगा, नो मैटर कि आप जितना मर्जी इंक्रीमेंटर ऑपरेटर यूज़ कर लें। हाँ, अगर मैं फोर्सफुली एंटर करता हूँ 555, मैं इसे एंटर करूँगा तो इट मस्ट गिव मी एन एरर, योर वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 50। ओके सो सिमिलरली अगर मैं 5 से लेस एंटर करूँगा तो मुझे उसके लिए एरर देगा, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो ये है टाइप नंबर, उसमें आप मिनिमम डिफाइन कर सकते हैं, मैक्स डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज़ वन मोर थिंग, आप इसमें स्टेप भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टेप टू। ओके स्टेप का क्या मतलब है, जब भी मैं इंक्रीमेंटर ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो ये टू नंबर्स ऐड करेगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। सो दिस इज स्टेप। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लाइक 0.1। सो नाउ अब क्या होगा, अब ये पॉइंट्स में इंक्रीज करेगा। सो दिस इज़ वन अदर थिंग। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है, इनपुट टाइप। ओके नंबर, पासवर्ड, ओके रेडियो रेंज, रिसर्च, सर्च, सबमिट, टेल। ओके टेल टाइप क्या करती है, टेल टाइप में आप टेलीफोन नंबर एंटर कर सकते हैं। दो के ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट, बट यह इसमें आप नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर आप नंबर एंटर करना चाहें तो उसके लिए स्पेसिफिक है। ओके टेक्स्ट हम देख चुके हैं, टाइम देख चुके हैं, यूआरएल देख चुके हैं, वीक। ओके व्हाट इज़ वीक, लेट मी शो यू, इनपुट टाइप वीक। ओके इट वुड बी बेटर कि अगर हम इस इनपुट टाइप को डेट टाइम के साथ ऐड करें। सो टाइप वीक क्या करती है, लेट मी ब्रेक द लाइन। टाइप वीक में आपके पास वीक आ जाता है। ओके सो एक साल में तकरीबन 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स आर देयर इन वन ईयर। सो आप किसी भी वीक को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे तो जस्ट वहाँ पे वीक आ जाएगा। सिमिलरली टाइप मंथ होती है आपके पास, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो टाइप मंथ में आप कोई मंथ चूज करेंगे तो वो मंथ आ जाएगा उस ईयर के साथ। ओके सो वी डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। ओके सो अब हम देखते हैं कुछ और टाइप्स को, इनपुट टाइप। ओके मंथ नंबर वी आर नॉट मैसिंग विद दैट। ओके बटन चेकबॉक्स कलर। ओके कलर क्या होती है, टाइप कलर आपको कलर चूज करने का ऑप्शन देती है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कलर पिकर आ जाएगा जिसमें आप RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज दे सकते हैं, आप ह्यू सैचुरेशन दे सकते हैं, आप हेक्सा वैल्यूज में कलर को डिफाइन कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और यहाँ से आप खुद भी कलर को किसी भी तरह से चूज कर सकते हैं, डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और इवन ये आपको कलर पिकर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आपके पेज में कहीं कोई कलर है अगर आप उसको चूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सो ये है टाइप कलर। अच्छा इस तरह बहुत से टाइप्स हैं, अब हर टाइप को तो हम आई थिंक यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रीव्यू, जस्ट शॉर्ट ओवरव्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं और इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ओके सो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल। ओके फाइल टाइप क्या होती है, इनपुट टाइप फाइल। फाइल टाइप जब भी आप कोई फाइल अपलोड करना चाहें
कोई फाइल यूज़र से गेट करना चाहें, इनपुट लेना चाहें, तो आप फाइल टाइप यूज़ करते हैं। वो फाइल इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, वो जिप फाइल हो सकती है, वो एक्सी फाइल हो सकती है, किसी भी तरह की फाइल हो सकती है। बट जब भी आपने यूज़र से कोई फाइल अपलोड करवानी है तो उसके लिए टाइप फाइल यूज़ की जाती है। लेट मी रिफ्रेश एंड शो यू। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने यहाँ चूज़ अ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके अच्छा, अभी अगर आप नोट करें तो आप मल्टीपल्स फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकते, जस्ट सिंगल फाइल को ही चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीपल को आप चूज़ करना चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल का एट्रीब्यूट ऐड करना होगा आपको। सो रिफ्रेश, नो फाइल चूजन। अब आप मल्टीपल फाइल्स को भी चूज़ कर सकते हैं। 7 फाइल्स आर चूजन देयर। ओके, ये अपलोड कैसे होती हैं इसको हम बाद में देखेंगे। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ HTML। इसके बाद हमारे पास एक इनपुट है। ओके, सो उसे हम क्या कहेंगे, हम रेडियो बटन को देखेंगे। रेडियो बटन क्या होता है? इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो बटन क्या होता है? जब आपके सामने कपल ऑफ ऑप्शंस हों और उनमें से आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, या यूज़र को आप जस्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देना चाहें, तो वहाँ पे आप टाइप रेडियो यूज़ करते हैं। कैसे? अच्छा, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है जहाँ पे फॉर्म्स में आपसे वो जेंडर पूछते हैं, मेल फीमेल, तो वहाँ पे टाइप रेडियो यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ की जाती है, लेट मी शो यू। टाइप रेडियो मेल, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको डी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं बेशक इस पर क्लिक करूँ, मैं आउटसाइड क्लिक करूँ, मैं इसको डी सिलेक्ट नहीं कर सकता अनलेस के पेज रिफ्रेश हो और वो डी सिलेक्ट हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हम एक और रेडियो बटन क्रिएट करते हैं फॉर अदर ऑप्शन, दैट इज फीमेल। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेल सेलेक्ट हो गया। अब मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल सेलेक्ट हो गया, बट मेल भी सिलेक्टेड है। और मैंने कहा था कि कपल ऑफ ऑप्शंस में से जब एक ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें सिर्फ, तो ही रेडियो बटन को यूज़ किया जाता है। तो इस काम के लिए हम करते क्या हैं, रेडियो बटन्स को हम ग्रुप कर लेते हैं। रेडियो बटन्स को ग्रुप कर लेते हैं कि ये जो दो रेडियो बटन है, दे बिलोंग्स टू सिंगल ग्रुप। सो जब हम रेडियो बटन्स को ग्रुप कर लेंगे तो फिर उस ग्रुप में जितने भी रेडियो बटन्स होंगे, आइदर दे आर 2-3 और मोर देन 3 और अप टू 1, उनमें से सिर्फ एक रेडियो बटन ही सिलेक्ट होगा। हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो पहले से स्विच होके दूसरे पे चले जाएंगे। सो इसको ग्रुप कैसे करते हैं, आप रेडियो बटन को नाम असाइन करते हैं, जेंडर। अच्छा, अब आपने एक नाम जनरेट कर लिया, नाम असाइन कर दिया जेंडर का। अब जितने रेडियो बटन्स को ये नाम असाइन होता जाएगा, वो एक ग्रुप का पार्ट होते जाएंगे। ओके, सो लेट मी शो यू। अब मैंने मेल को सिलेक्ट किया, अब मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा, फीमेल सिलेक्ट हो जाएगा और मेल डी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, बट स्टिल एटलीस्ट कोई ना कोई एक सिलेक्ट रहेगा। आप दोनों को डी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मेल पे जाएंगे तो फीमेल डी सिलेक्ट, फीमेल पे जाएंगे तो मेल डी सिलेक्ट। सो आप अदर्स का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे, बाई डिफॉल्ट भी आप एक को सिलेक्टेड रख सकते हैं। लेट मी शो यू के कैसे। चेक्ड, ओके, यहाँ आप चेक का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और जिसके साथ यूज़ करेंगे वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जब तक हमने ये यूज़ नहीं किया था तब तक ऐसा नहीं था। लेट मी शो यू, अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, बट जैसे ही हमने एक के साथ चेक लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप किसको चेक करें, आप दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो आप सेकेंड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। सो ये है हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो। सो फार हमने HTML के काफ़ी एलिमेंट्स को डिस्कस किया और बेसिकली हमने देखा कि वास्ट वैरायटी ऑफ इनपुट टाइप्स हैं हमारे पास, जिसको हम यूज़ करते हैं यूज़र से डाटा गेट करने के लिए। और इसके अलावा भी फॉर्म्स के कुछ टैग्स हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स को। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।